दीज क्वेश्चन आर सेम एज यू हैव डन द प्रीवियस वन, लेकिन इनमें फाइन टर्म इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब जब x की वैल्यू को आप r फाइंड आउट करने के बाद कैलकुलेट करोगे तो x की जो वैल्यू होगी, जैसे सपोज के लिए 24 एक आएगी तो दूसरी माइनस 24 आएगी और वो कैंसिल हो जाएंगे x की वैल्यू, यानी कि x की पावर 0 आ जाएगी, वो 1, बाकी जो बचा वो आपका जो कांस्टेंट वो इंडिपेंडेंट टर्म होगा. सिंपल से लैंग्वेज में जिसको आप कहते हैं. तो ना इसका मतलब सॉल्यूशन में ना कॉन्स्टेंट टर्म जो मैंने आपको बोला, कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ नो 2x4 माइनस 1/3x7/11 हो गया. लेट कॉन्स्टेंट टर्म सीटी स्कैन वाला नहीं है, जैसे कॉन्स्टेंट टर्म अकर्स. तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे तो इसलिए जरा ध्यान से रखिएगा. इन r प्लस 1 का dx टर्म आप जनरल टर्म निकालते थे ना उधर, तो यही आपका ना देखो. तो r प्लस 1 का dx टर्म ना देखो जैसे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ e जो 2x4 माइनस 1/3x7/11 है आपका ना देखो. इसका मतलब इट मीन्स हियर जो पावर ऑफ एक्स होगा ये आपका जीरो है, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था. तो देन आर प्लस वन का क्या करेंगे, उसके टीएथ टर्म ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या करते थे, क्या लिखते थे, एन सी आर एक्स की पावर क्या लिखते थे, एन माइनस आर और ए की पावर आप आर लिखते थे, ए तो लिखते थे जनरल टर्म को, जी टी जनरल टर्म. अब यहाँ आप क्या करेंगे, आपको देखो ना ये हो जाएगा 11 सी आर 2x4 11 माइनस आर और ये आपका क्या हो जाएगा 1/3x7 ए ये माइनस की पावर आपका आर जनरल टर्म को देख लीजिए. ठीक हो गया सर. अब आपका देखो 11 सी आर 2 की पावर ये 11 माइनस आपका क्या होगा आर और इंटू एक्स की पावर 4 की भी 11 माइनस आर हो जाएगी देखो अपन अब इंटू ये माइनस 1 की पावर भी हम आर ले लेते हैं आपका देखो ना जैसे माइनस 1 की पावर आर ले लिया. अब आपका ना 1/3 की पावर भी देखो आपका आर ले लीजिए एंड 1/x7 की पावर भी आप आर लीजिए या इसको ऊपर ले जाइए यू की बट आपका x^-7 की पावर भी आपका आर हो जाएगा. चेक कर लीजिएगा सेवन आ रहा है. ऊपर चलेंगे वेरी गुड. चलिए माशाल्लाह. तो ना 11 सी आर ये तो क्या बना तो माइनस 1 की पावर आर को आपका यू राइट इन द बिगिनिंग 2 की पावर 11 माइनस आर ये भी आपका हो गया देखो ना एक्स की पावर ये देखो यहाँ देखिए 11/4 एम माइनस आपका देखो ये 4 आर हो गया आपका देखो और इधर से क्या है माइनस का 7 आर आ गया देखो एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस एन कर दें यहाँ माइनस हो गया एक्स की पावर एम माइनस एन हो गया पूरा 4 11 जब 44 और माइनस 4 आर जब 4 आर और ये 7 आर जब 7 आर यहाँ पे जो फॉर्मूला एक्स की पावर है ऐसे पावर सो दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर तो 7 आर और ये यहाँ आपका आंसर इसके साथ कोई शक नो इक्वल बस. अब आप करना आर प्लस वन का ये जो टी एफ टर्म इज कॉन्स्टेंट अपना तो ना दैट इज नॉट अकर इसके मतलब ये अकर नहीं करेगा कॉन्स्टेंट आपका दस पावर ऑफ एक्स जो हो जाएगी आपका ना इन दिस टर्म विल बी जीरो या आपकी जीरो हो जाएगी इसका मतलब जो ऊपर है तो जो आपका 44 माइनस 4 आर और माइनस 7 आर ये देखो
ये इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगी। तो कितना 44 माइनस 11 आर इससे बढ़ा जीरो, तो 44 इससे बढ़ आपका 11 आर ओटी में चला गया। आर इससे बढ़ 44 बाई 11 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इट हैज गॉट आर इससे बढ़ आपका 4। ठीक है सर, आर इससे बढ़ आपका क्या हो गया 4, इससे बढ़ टी 5, इससे बढ़ टी 4 प्लस 1 यही तो हुआ। इज इट क्लियर? तो नाउ इक्वल टू अब आपका 11 सी 4 कितने आओगे, कितने आना तो अनु एठे तो ना ये और ये माइनस 1 की पावर आर ये 4 होंगे ना, तो ये 2 की पावर 11 और माइनस आपका देखो ये 4 हो गया और x की पावर ये कितना हो गया, अगर आप देखेंगे आप देखो x की पावर 44 माइनस 4 इंटू आपका आर कितना 4 और माइनस 7 इंटू आर कितना 4, x की पावर 44 माइनस 16 और माइनस 28 तो आपका x की पावर 44 माइनस 48 हुआ, x की पावर आपका कितना हो गया 0। बालो क्लियर है सर? अब ये माइनस 1 की पावर आपके आगे आ रहा है तो ना हो गया सर, अब आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर तो आपने डाली थी, नहीं तो यहाँ माइनस को यहाँ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अब 1 की पावर 3 की पावर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो? यहाँ देख लिया आपने ये हो गया, तो यहाँ इंटू एक्स की पावर आपका 44 और माइनस 44 हमने यहाँ रख दिया तो वो जो कैंसिल हो गया एक्स की पावर जीरो ये वन आ गया आपका नाम किसके माना टी 5 के सिंह 11 का माना फैक्टर 11 ओवर। अब एन सी आर का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन सी आर इज फैक्टर एन ओवर फैक्टर आर एन माइनस आर लगा दीजिए अपने दस ये फैक्टर 4 और फैक्टर 11 माइनस 4 अब अपन ये इफ एनी निगेटिव नंबर है इवन पावर आंसर आपका क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। इज इट क्लियर? तो ना ये 2 की पावर 11 माइनस 4 का मतलब 7 और ना ये आपका ना अपॉन 3 की पावर आपका क्या होगा 4। तो दिस इज द फैक्टर 11 तो आपका यहाँ कितना 7 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टर 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू आपका फैक्टर 7 ये तो खल्लास हो गया 4 2 सा 8 ये भी खल्लास और 3 3 सा 9 हो गया। तो नाउ टी 5 से करो अभी मैंने वहाँ लिखा नहीं 2 की पावर 7 और आपका 2 तो 2 की पावर 3 का मतलब आपका क्या ना तो 64 128 तो ना 128 अपॉन 3 3 सा 9 3 सा 81 आपका नाम देखो दस ओके तो 3 से इसको भी काट दीजिए 3 27 सा हो गया 11 10 सा 110 इंटू 128 अपॉन ये 27 आ गया। अब ये 11 0 जा 0 11 8 जा 88 8 11 2 जा 22 एंड 8 ठीक है सर 11 1 जा 11 3 14 अपॉन 27 ये आपका नाम 1 4 1 दिस 1 4 0 8 0 अपॉन 27 फाइन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट टर्म है इन द एक्सप्रेशन ये आपका दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ओके तैयार है बैटल फील्ड में जाने के लिए? क्वेश्चन वही है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते ये आपका नाम ये है आपका नाम रूट एक्स अपॉन ये पूरा रूट एक्स अपॉन थ्री पूरा रूट के अंदर है सर एन प्लस थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर की द होल पावर इज 10 यानी कि रूट एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस थ्री अपॉन 2x square, the whole power is 10. इसमें भी आपको ना find the term independent of x in the expansion of root x upon root 3 plus 3 upon 2x square, the whole power is 10. तो आपका समय शुरू होता है अब।